जम्मू कश्मीर में आगामी लोकसभा चुनावों के लिए आचार संहिता लगने से ठीक पहले सरकार ने जम्मू कश्मीर वासियों को बड़ी सौगात दी है। पहाड़ी समुदाय को 10% आरक्षण दिया गया है, तो वहीं ओबीसी के आरक्षण को भी दोगुना कर दिया गया है। ओबीसी में 15 नई जातियों को शामिल किया गया है और गुज्जर बकरवाल समुदाय को जो आरक्षण मिल रहा है उसमें किसी भी प्रकार की कटौती नहीं की गई है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में प्रशासनिक परिषद की हुई बैठक में यह फैसला लिया गया है और चुनावों से ठीक पहले सरकार ने यह बड़ा दाव जम्मू कश्मीर में चला है। इससे पहले हमने देखा था कि पहाड़ी समुदाय को एसटी का दर्जा दिया गया था और अब एसटी समुदाय यानी जनजातीय समुदाय को 20% आरक्षण का प्रावधान रखा गया है। सरकार का कहना है कि हमारा ये मकसद है कि हम उन तमाम लोगों के साथ जो वादे हमने किए थे उन वादों को पूरा करें और हमने उन वादों को पूरा करके दिखाया है। हालांकि हमने देखा था कि गुज्जर बकरवाल समुदाय सड़कों पर उतरा था, उन्होंने ये मांग की थी कि पहाड़ी समुदाय को एसटी का स्टेटस नहीं दिया जाए, लेकिन अब पहाड़ी समुदाय को भी एसटी का स्टेटस दिया गया है। जो गुज्जर बकरवाल समुदाय को आरक्षण मिल रहा है उसमें किसी प्रकार की कटौती नहीं की गई है। ओबीसी को जो आरक्षण मिल रहा है उसे दोगुना किया गया है और 15 नई जातियों को इसमें शामिल किया गया है, जिसमें तमाम लोग बेहद ज्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं। कैमरामैन पवन के साथ पंकज शर्मा, News 24 जम्मू। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।